Hello students, today through this video I would like to discuss education related work। तो इसमें क्या है वीडियो में कि हम education related अगर कोई task आता है या school related या student से related है तो हम उसमें किस तरह के वर्ड यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली ये सारे टर्म्स क्या हैं, इंटरलिंक्ड है। अगर एजुकेशन की बात होगी तो स्टूडेंट्स की बात होगी, स्टूडेंट्स की बात हो रही है तो लर्निंग इंस्टीट्यूशंस की बात होगी। तो वहाँ पे हम किस तरह के वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं फॉर राइटिंग टास्क टू फॉर गेटिंग गुड स्कोर। लेट अस डिस्कस इन दिस वीडियो। द फर्स्ट वर्ड इज़ लिटरेसी, द एबिलिटी टू रीड एंड राइट। कई बार आ जाता है लिटरेसी रेट के ऊपर तो स्टूडेंट्स को मीनिंग ही नहीं पता होता कि लिटरेसी क्या होता है। लिटरेसी होता है एबिलिटी टू रीड एंड राइट। तो आप ये भी कह सकते हो लिटरेसी रेट इन द डेवलप्ड नेशन इज़ हायर दैन द अदर नेशंस। तो आप ऐसे कंपैरिजन भी कर सकते हैं या बायगॉन एरा के साथ कंपेयर करके प्रेजेंट सिनेरियो के साथ हाईलाइट कर सकते हैं। सो यू कैन यूज़ दिस काइंड ऑफ वर्ड्स। द नेक्स्ट वर्ड इज़ वोकेशनल कोर्स। वोकेशनल कोर्स कौन से होते हैं? अ कोर्स विच टीचेज यू स्किल्स फॉर अ स्पेसिफिक जॉब। किसी स्पेसिफिक जॉब को गेट करने के लिए जो स्किल्स की लर्निंग होती है उन्हें हम कहते हैं वोकेशनल कोर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल इंजीनियरिंग कह सकते हैं हम, कंप्यूटर नॉलेज कह सकते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए कंप्यूटर स्किल्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्किल्स। तो इस तरह के वोकेशनल कोर्सेज को आप हाईलाइट कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज़ ट्रूएंसी। ट्रूएंसी है बंक करना और जो बंक करता है उसे कहते हैं प्ले ट्रूएंट। ट्रूएंट कौन होता है? फिर स्टूडेंट होता है ना। बीइंग एब्सेंट फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन, ये बहुत कॉमन टॉपिक आ रहा है राइटिंग टास्क 2 में कि एब्सेंटिज्म रेट जो है स्कूल में आजकल वो इंक्रीज़ हो गया है। इसके क्या रीजंस हैं, क्या सॉल्यूशन है? तो ट्रूएंसी एक बहुत कॉमन टर्म बन गया है। अभी ट्रूएंसी के लिए हम बीइंग ट्रूएंट या प्ले ट्रूएंट भी बोलते हैं, जिसे कहते हैं बीइंग एब्सेंट फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन। द नेक्स्ट इज़ डिस्टेंस लर्निंग। ये बहुत पॉपुलर टर्म हो गया है। ई लर्निंग को भी बोला जाता है डिस्टेंस लर्निंग। एजुकेशन दैट टेक्स प्लेस रिमोटली यूजुअली ऑनलाइन, है ना, कि जो एजुकेशन आपने अटेन किया है कैसे अटेन किया है, रिमोटली और ऑनलाइन मैथड के थ्रू। मतलब आपने अपने ही स्पेसिफिक प्लेस पर बैठ के फ्रॉम अनदर प्लेस यू आर गेटिंग द नॉलेज विद द हेल्प ऑफ इक्विपमेंट लाइक कंप्यूटर और इंटरनेट। Fine, the next term is scholarship, payment made to support a students। a singular है, students possession बनाया गया, students education financially by an organization। जब कोई organization किसी student को financial aid means help करता है या assistance देता है for continuing study और in for any kind of learning task, तो उसे हम क्या कहते हैं? scholarship कहते हैं। इसे रिवॉर्ड के फॉर्म में भी ऑफर किया जाता है। दैन द नेक्स्ट इज करियर प्रॉस्पेक्ट्स। करियर प्रॉस्पेक्ट्स क्या है? चांस और प्रोबेबिलिटी फॉर फ्यूचर सक्सेस इन अ प्रोफेशन, कि कितने इसके प्रोबेबिलिटीज़ हैं, चांसेस हैं कि फ्यूचर सक्सेस होगा इसमें प्रोफेशन का। लाइक फॉर गेटिंग नॉलेज रिगार्डिंग अ स्पेसिफिक कोर्स का क्या करियर प्रॉस्पेक्ट रहेगा आपको फ्यूचर में, वो कैसे आपको एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में सक्सेसफुल करेगा, कैसे हेल्प करेगा। तो वहाँ पे आप इस तरह के वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू वुड डेफिनेटली लाइक टू यूज़ दीज काइंड ऑफ वर्ड्स व्हाइल राइटिंग योर राइटिंग टास्क 2। विश यू बेस्ट ऑफ लक।